रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने सोमवार को पुसौर जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स में बिहान मार्ट एवं बिहान कैंटीन का शुभारंभ किया। सागर महिला ग्राम संगठन द्वारा संचालित बिहान मार्ट कैंटीन में पुसौर विकास खंड के विभिन्न महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा। युवा विधायक प्रकाश नायक ने सोमवार को रायगढ़ जिले के पुसौर जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स में बिहान मार्ट एवं बिहान कैंटीन का शुभारंभ किया। सागर महिला ग्राम संगठन द्वारा संचालित बिहान मार्ट कैंटीन में पुसौर विकास खंड के विभिन्न महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा, जिससे कि उन्हें रोजगार व आय का साधन प्राप्त हो सकेगा। विधायक ने इस पहल के लिए जनपद पंचायत पुसौर व महिला स्व सहायता समूहों को बधाई दी। पुसौर जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम दोपहर में आयोजित था। विधायक प्रकाश नायक ने बिहान मार्ट एवं कैंटीन का विधिवत फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने यहां पुसौर विकास खंड के विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए राखी, पर्स, साड़ी, पापड़, नमकीन व मशरूम इत्यादि वस्तुओं का निरीक्षण किया। इससे वे काफी प्रभावित हुए। यहां महिला स्व सहायता समूहों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने घरों से देसी वस्तुएं तैयार कर बिहान मार्ट एवं कैंटीन में बिक्री कर पाएंगे, जिससे कि रोजगार व आय मिल सकेगा। इसके लिए विधायक ने इन्हें बधाई दी। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जनपद पंचायत पुसौर सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में श्री नायक ने कहा कि पुसौर क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूहों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, जिससे कि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार के कार्यों की सराहना की और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए उनकी सरकार सतत प्रयासरत है। कार्यक्रम में पुसौर जनपद सीओ नीलेश उपाध्याय ने बताया कि रायगढ़ जिले में बिहान मार्ट एवं बिहान कैंटीन पहली बार संचालित होने जा रहा है, जिसका लाभ निश्चित तौर से क्षेत्र की महिला समूहों के साथ साथ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। विधायक की कलाई में सजाई राखी। यहां आयोजित कार्यक्रम के अंत में एनआरएलएम विभाग की महिला कर्मचारियों व विभिन्न स्व सहायता समूहों के महिलाओं ने विधायक प्रकाश नायक के कलाई पर राखी पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक ने इस मौके पर उन्हें बधाई देते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि ये राखियां क्षेत्र की महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाई गई है। मैं इसमें पीआरपी के पद पर पदस्थ हूँ और महिला समूहों को, गांव को, दीदियों को जो घर से बाहर नहीं निकलती है, घर से बाहर कभी आना नहीं सीखी है, उसको हम यह ध्यान योजना के माध्यम से हम उनको एक एक घर से हम जोड़े हैं। जोड़ करके वो दीदियों को कैसे हमको सशक्त होना है, कैसे हम आजीविका से जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति जो है गंभीर है उसको हम दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपने दो पैसे हम कमा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग रास्ता दिखाते हैं। यह योजना कहाँ कहाँ संचालित है? यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है, पूरे इंडिया में संचालित है। किस तरह का सामान बनाते हैं आप लोग यहाँ? हर तरह की सामान हम लोग बनाते हैं। जिस तरीके से बाहर दुकान में जैसे हम खरीदते हैं अचार, बड़ी, पापड़, उसके अलावा जैसे हमारे महिला समूह वाले दीदी कोई बैग बनाते हैं, कोई ट्रेवल बनाते हैं, कोई रक्षाबंधन अभी राखी है, हर सीजन का हर सामान बनाते हैं। हर तरह का सामान, पापड़, अचार हो गया, और यहाँ तक अचार भी बना रहे हैं, झाड़ू बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, सर्फ, साबुन, अगरबत्ती, सब चीज़ बनाया जाता है हमारे महिला समूह। जी, यहाँ जो स्टॉल में लगाया गया है सामान आप ही के द्वारा बनाया गया है? जी, हम इन्हें इन लोग को प्रोत्साहित किए हैं कि हमारे महिला समूह जब हम बाहर दुकान से हम खरीद रहे हैं, अगर हम अपने महिला समूह अगर बनाते हैं, जो बाजार में हम खरीदते हैं 10-20 रुपये में, वो सामान आप लोगों से खरीदेंगे तो आपका आजीविका भी चलेगा और दो पैसा कमाएंगे भी और आपसे हम खरीदी भी करवाएंगे। तो हम ही के द्वारा से हम लोग इनको रास्ता दिखाए और ये लोग तैयार हुए यहाँ से बनाने के लिए। रायगढ़ जिले के कितने ब्लॉक में यह संचालित है अभी कार्यक्रम? ये रायगढ़ जिले में कम से कम पूरे 9 ब्लॉक में तो हमारे जैसे प्यारियाँ थी, लेकिन कम से कम 3 ब्लॉक अभी नहीं यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं, 6 ब्लॉक में चल रहा है, लेकिन 6 ब्लॉक में सभी ब्लॉक में सभी दीदी आजीविका गतिविधि इस चीज़ को कर रही। हमारी जैसे पीआरपी दीदियाँ हमारी जैसी आई हुई हैं, वो दीदियाँ ने बिल्कुल यहाँ संचालित करवा रही है और आगे बढ़ाने के लिए सभी दीदियाँ एक मार्गदर्शन देती, हम लोग एक मार्गदर्शिका जैसे हम लोग एक आगे बढ़ाने की काम करते हैं। हमारे गांव ग्रामीण के महिला बहुत पिछड़े हुए ऐसा माना जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरह प्रयास किया जा रहा है? हम लोग का प्रयास इस तरह कैसे रहा जाता है, पहले तो हम गांव में जाते हैं, गांव में उन लोग को स्थिति, हालात को समझते हैं कि वो दीदी कैसी स्थिति में है, क्या है, उस घर में जाके देखते हैं उस परिवार में कैसे कैटेगरी में है कि वो कैसी स्थिति में है, उसको हम देखते हैं, समझते हैं, फिर वो दीदी को हम प्रोत्साहित करते हैं, दीदी आप समूह से जुड़िए। पहले हम 10 दीदियों का महिला समूह बनाते हैं, फिर समूह बना करके बैठक करना, बचत करना, आपस में लेन देन करना, वापस करवाना, सारी चीज़ करवाते हैं। उसके बाद में प्रोत्साहित करने के बाद हमारे सरकार के द्वारा हमको कुछ ऋण राशियाँ मिलती हैं जिसको बोला
जाते हैं अनुदान राशि, जो आरएफ मिलता है 15,000, उसके बाद में सीआईएफ पैसा मिलता है 60,000, उसके बाद हमारे ग्राम संगठन में भी आता है बीआरएफ पैसा 1,20,000। इस तरीके से अभी जो कैंटीन हमारे यहाँ ओडेकेरा क्लस्टर से हमारे पुसौर ब्लॉक में जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे 1,20,000 पैसा आया है बीआरएफ पैसा, उसी से हमारे महिला समूह यहाँ तैयार हुई है। लगभग पुसौर ब्लॉक में कितने संगठन हो चुके हैं महिलाओं द्वारा? महिलाओं द्वारा यहाँ लगभग हमारे पुसौर ब्लॉक में संगठन हो चुके हैं, हो सकता है यानी कि 45। आज जनपद पंचायत पुसौर के परिसर में बिहान मार्ट और बिहान कैंटीन खोला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो महिला समाज समूह है उनको सशक्त करना और उनको मजबूत करना। हमारे पुसौर ब्लॉक में हर गांव में महिला समूह है जो विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण कर रही है, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो पाथी हो, चाहे दिया हो या कोई पापड़ हो, तो उसके लिए एक विक्रय केंद्र है और यहाँ उनका सामान बिकेगा और हमारी जो महिला समूह है वो सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। किसी को उद्घाटन समारोह इसका शुभारंभ था। आज जनपद पंचायत कॉम्प्लेक्स में एक दुकान का आवंटन सागर महिला ग्राम संगठन को किया गया है। इसमें पूरे सौर क्षेत्र में जितने भी महिला समूह हैं उनके द्वारा जो भी सामग्री का उत्पादन किया जाता है उन सभी का ये विक्रय स्थल रहेगा। इस दुकान का नाम बिहान मार्ट और बिहान कैंटीन रखा गया है। महिला समूह की महिलाएं यहाँ पर कैंटीन का भी संचालन करेंगी और हमारे सभी शासकीय विभागों और अन्य भी लोगों को जो भी आवश्यकता की चीज़ें हम समूह से ले सकेंगे हम उनके यहाँ से लेकर महिला समूह को प्रोत्साहित करेंगे। महिलाएं किस तरह के सामान बना रही हैं सर? अभी वर्तमान में महिलाएं राखी त्यौहार को देखते हुए, रक्षाबंधन को देखते हुए राखी बना रही हैं। इसके अलावा सजावट के सामान, उसके अलावा खाद्य सामग्रियों में पापड़ बड़ी अचार और आपका साबुन बनाती हैं, साड़ियाँ बनाती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी दैनिक उपयोग की चीज़ें महिला समूह हमारे यहाँ बना रहे हैं जी। पुसौर ब्लॉक में लगभग कितने संगठन बन चुके हैं सर महिलाओं के? यहाँ 1500 से ज़्यादा संगठन। सरिया पुसौर से रेशम लाल दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।